मुगी पास मत एवरीवन, मैं हूँ रोशनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह सुबह बच्चों के लंच बॉक्स के साथ में। तो आज जो है ना बहुत अच्छी रेसिपी है बच्चों के लंच बॉक्स के लिए, तो यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और बस यहाँ पे मैं बना रही थी पीहू के लिए फ्राइड राइस। तो यहाँ पे सारी जितनी भी वेजिटेबल्स मेरे पास थी, प्याज है, शिमला मिर्च है, दो हरी मिर्च है, गाजर और हाँ पत्ता गोभी और थोड़े बहुत कॉर्न थे, इन सबको ना मैंने तेल में डाल दिया थोड़े से जीरे के साथ और उसे पकने के लिए रख दिया है। तो पीहू का यहाँ पे लंच बॉक्स प्रिपेयर कर रही हूँ और उसके साथ में फ्राइड राइस के साथ में पीहू को दूंगी मैं आज सैंडविच एक, क्योंकि पीहू का ऐसा है ना दो ब्रेक होते हैं, शॉर्ट ब्रेक और एक लॉन्ग ब्रेक। तो ब्रेकफास्ट के टाइम पे ये ले लेती है शॉर्ट ब्रेक वाला जो भी उसे मैं देती हूँ, और फिर एक लॉन्ग ब्रेक होता है तो उसके लिए एक अलग से लंच बॉक्स देती हूँ मैं। तो बस यहाँ पे ब्रेड की स्लाइस ले लिए, एक साइड में पिज्ज़ा सॉस और एक साइड में थोड़ा सा ना टोमेटो सॉस लगा के बीच में चीज़ की स्लाइस रख दी है और उसे अच्छे से बटर में सेक लिया है। अब यहाँ पे जो वेजिटेबल है ना मैं उसे अच्छे से कुक करूँगी, क्योंकि पीहू को जो है ना सब्जियों का क्रंच बिल्कुल पसंद नहीं, अगर वो सब्जी ऐसी रहेगी तो बिल्कुल नहीं खाएगी। साथ ही यहाँ पे मेरे पास वराड़ी जो सब्जी होती है ना मिक्स वेज, उसका मसाला रखा हुआ था तो वो डाल के मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है। इसका टेस्ट ना बहुत अच्छा आता है सब्जी में, या फिर आप पाव भाजी का मसाला डाल लो या पराठे का, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और साथ ही यहाँ पे डाल दिया थोड़ा सा नमक, क्योंकि मसाले में नमक ऑलरेडी था। इसके बाद इसमें जो है ना चावल जो है ऐड कर दिया, उसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और पानी की वजह से क्या हुआ है ना सब्जियां अच्छे से नरम हो चुकी है, तो पीहू जो है ना अच्छे से खा लेगी, अदरवाइज उसमें क्रंच रहता तो बिल्कुल भी नहीं खाती, साइड में निकाल के रख देती है सब्जियां वो। और यहाँ पे जो है सबसे जो चावल है ना वो मैं एक प्लेट में निकाल के ठंडा कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी गर्म है तो प्लेट में रख दिया है, तब तक ही ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पैक करती हूँ उसके जो शॉर्ट ब्रेक है ना उसके लिए लंच बॉक्स। यहाँ पे एक जो है सैंडविच रख दिया है, थोड़े से जो ये वेज ये खाती है, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना इस तरह से दे दूँ, रोज़ सब्जी रोटी हो रही थी तो मैंने आज सोचा कि टिफ़िन जो है थोड़ा सा चेंज करते हैं, बच्चों को भी अच्छा लगता है इस तरह से अगर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो यहाँ पे उसका लंच बॉक्स जो है पूरा बन चुका है, बस उसे पैक कर दूंगी। और अभी बारी आती है पीहू के स्कूल जाने की, तो तैयारी उसकी जैसे लंच बॉक्स हो गया था ना उसकी तैयारी मैंने कर दी थी, और सुबह सुबह 7 बजे उसकी जो है बस आ जाती है। तो बस यहाँ पर कुछ एक बादाम हाथ में ले लिए, उसे अच्छा लगता है इस तरह से खाना, और बस यहाँ पे उसकी जो बस है ना आ गई। और इतना अच्छा है कि बस जो है घर के पास ही रहती है, क्योंकि मेन रोड से टच है घर, तो बस जो है बिल्कुल घर के पास आ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं होती, बच्चा जो है आंखों के सामने चले जाता है स्कूल और आती भी बस यहीं पे है, तो मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है कि उसे कहीं छोड़ने के लिए जाना पड़ रहा है बस में ड्रॉप करने के लिए। अब इसके बाद भारी टास्क आता है मेरे लिए अनाया को उठाना, जैसे ही 7 बजे पीहू चले जाती है 8 बजे की स्कूल अनाया की होती है, और इसको उठाना मतलब बहुत बड़ा वाला टास्क है मेरे लिए। तो इसमें मुझे आधा घंटा चले जाता है कि उसको मैं उठाती हूँ फिर बाहर लेके घूमती हूँ जब तक उसकी नींद अच्छे से खुल ना जाए। और बस यहाँ पे अनाया के लिए भी जैसे वो उठ गई थी ना उसे ब्रश वगैरह दे दिया था मैंने और उसका लंच बॉक्स प्रिपेयर कर दिया। और अनाया का स्कूल बहुत थोड़े टाइम के लिए होता है, बहुत जल्दी आ जाती है वो, तो आज उसे मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ब्रेड जैम और अनार दे दिया, अनार उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। और बस उसकी तैयारी कर दी है, उसके पापा जो उसे जो ना शूज़ पहना रहे हैं यहाँ पे। और जो लंच के टाइम तक अनाया घर पे आ जाती है, मतलब अनाया 8 बजे जाती है और 11:30 भी, तो 11:30 का टाइमिंग है, कुछ दिन में जो है 12:30 का टाइमिंग हो जाएगा तो जो अनाया है घर आ जाती है। तो बस आज दोनों को ही मैंने इसी तरह से लंच बॉक्स दिया है बिल्कुल शॉर्ट वाला, मतलब जल्दी से मेरा काम हो जाए, नहीं तो पराठे वगैरह और रोटी सब्जी तो रेगुलर चल ही रही थी उनकी, सोचा कि आज थोड़ा सा चेंज कर देते। और यहाँ पर देख रहे हो गार्डन कितना प्यारा लग रहा है, बारिश के टाइम तो पेड़ पौधे जो है ना एकदम खिल से जाते हैं, इतने अच्छे फ्लावर्स आए हुए हैं और बहुत ही प्यारा सा वेदर है। तो अनाया का जो स्कूल है ना घर के बिल्कुल पास में, तो उसके पापा जो है उसे सुबह सुबह ड्रॉप कर देते हैं, तो यहाँ बस यहाँ पर अनाया स्कूल जा रही है और उसके पापा उसे छोड़ दे रहे हैं। तो बस अभी मैं हो जाऊंगी मेरे कामों के लिए फ्री, क्योंकि सुबह के 2 घंटे जो होते हैं ना से बच्चों के लिए निकल जाते हैं। सुबह 6 बजे मुझे उठना ही पड़ता है क्योंकि पीहू की बस 7 बजे आ जाती है, तो उसके लिए लंच बॉक्स बनाना, साथ ही क्योंकि दो दो भी बनाने पड़ते हैं, और साथ ही जो है ना
उसकी तैयारी करना सब कुछ रहता है। अब यहाँ पे मेरा टाइम आता है खुद के लिए, तो अभी जो है ना 8 बजे अनाया के जाने के बाद में मेरी जो है ना चाय रखती हूँ और चाय लेती हूँ। तो अभी यहाँ पे 15-20 मिनट तो आराम से मैं बैठूँगी, क्योंकि सुबह से उठने के बाद बिल्कुल भी नहीं बैठी थी, 2 घंटा लगातार काम कर लिए थे मैंने। अभी हो रहा है शाम का टाइम, और आज जो है मैंने आपको दिखाया था कि हस्बैंड ने सब्जी का जब लेके आए थे, लास्ट वीडियो में बताया मैंने कि सब्जी का जब लेके आए थे तो करौंदे लेके आए थे, और उसका मुझे जैम बनाना है। लास्ट टाइम बनाया था, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो बस उसका जैम अभी बनाना है। और अभी आ गई हूँ मैं नीचे, क्योंकि एक और रेसिपी बना रही हूँ। आज बनाने वाली हूँ मैं इन पत्तों के, मतलब ये ब्रमराकस के पत्ते, इनकी मैं बनाने वाली हूँ वड़ी, जो कि काफ़ी यम लगती है। और पत्ते काफ़ी दिनों से मतलब बहुत बड़े बड़े हो गए थे, और लेकिन टाइम ना मिलने के कारण नहीं बना पा रही थी, क्योंकि इसको बनाने के लिए भी अच्छा खासा टाइम लगता है। तो पत्ते जो है घर पे ही है, और अलग अलग जगह में थोड़े थोड़े लगे हुए हैं, तो बस यहाँ पे जो है पत्ते तोड़ रही, और ये जो वीडियो है ना मेरे बाबा ले रहे हैं, मतलब मेरे ससुर जी जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सारा वीडियो मेरा उन्होंने बना दिया ये वाला। तो बस यहाँ पे पत्ते लेके अभी जा रही हूँ ऊपर, वड़ी अभी इसकी बनाएंगे, और इसकी वड़ी जो है ना बहुत ज़्यादा यम लगती है। और यहाँ पे अनाया बैठी आई के साथ मुँह के पास, मतलब बेकार है वो धुलने, कैसे कर, चलो चल। तो अभी हम आ गए हैं ऊपर पत्ते लेके, और यहाँ पे पीहू बैठी करौंदे से बीज निकालने के लिए। मैंने उसे थोड़े से कट करके दे दी थी कि बोला बेटा तब तक थोड़े से निकाल दे, और उसे बहुत अच्छा लगता है इस तरह के काम करना, तो बस यहाँ पे वही कर रही थी वो। और बस थोड़े से उसने किए और रख दिए, क्योंकि काफ़ी सारे उतने तो नहीं कर पाएगी, शौक शौक में जितने कर लिए उतने उसने कर लिए, काफ़ी है मेरे लिए। तो बस यहाँ पे पत्ते जो है इन्हें काट के अच्छे से धुल लूँगी, तो यहाँ पे काट के धुल लिया है। और अब बनाएंगे इसमें डालने के लिए पेस्ट, तो यहाँ पे ले लिया अदरक लहसुन, थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़े से कड़ी पत्ते और थोड़ी सी राई, पानी डाल के इसे पीस लूँगी। और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने बनाया, अदरवाइज सिर्फ अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दो काफ़ी है इसमें, और थोड़ा सा हरा धनिया, तो मतलब और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे कड़ी पत्ता और जो मस्टर्ड सीड होते हैं ना राई, उसका टेस्ट अच्छा लगता है। साथ ही मेरे पास हरी मिर्ची और थोड़ी बहुत लाल मिर्ची रखी थी, जो हरी मिर्ची लाल हो जाती ना वो, उसका एक पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पे ले लिया है बेसन और चावल का आटा, आप सिर्फ बेसन से भी इसे बना सकते हैं, तो यहाँ पे लेकिन मुझे चावल का आटा अच्छा लगता है इसमें, तो थोड़ा सा चावल का आटा ले लिया है, और अदरक लहसुन वाला जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी, और हल्दी, लाल मिर्च डालना नहीं था मैं भूल गई थी, और मतलब अपनी ही धुन में थे बनाने की, तो थोड़ा सा डाल दिया, फिर याद आया कि नहीं यार इसमें तो लाल मिर्च पाउडर नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने लाल मिर्ची पीसी हुई है। साथ ही यहाँ पे डाल दिया है ज़ीरा और थोड़ा सा आमचूर पाउडर और नमक। आमचूर पाउडर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पत्ते जो है ना खुजलाते नहीं है, मतलब गले में खराश नहीं होती है, लेकिन कैसा थोड़ा सा टेस्ट इसका अच्छा आता, मुझे अच्छा लगता है हल्की सी खटास इसमें, खटास तो खैर नहीं आई थी लेकिन टेस्ट अच्छा लग रहा था। तो बस पानी डाल के इस तरह से मैंने इसका जो बेसन है ना वो लगा लिया है। अब बारी आती है इनकी वड़ी, इनसे मतलब वड़ी बनाने की पत्तों की, जो पत्ते इधर उधर फिसल रहे थे, देख रहे होगे आप कि कितने ज़्यादा फिसल रहे थे ये। तो बस एक जो बेसन की जो कोटिंग है ना, जो घोल मिश्रण हमने बनाया है, एक के ऊपर एक पत्ता रख के, मतलब पहले एक पत्ते पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, इस तरह से, तो बस इसी तरह से लगाएंगे। और मेरे घर पे जो है वड़ी, मतलब मेरी आई जो मेरे मायके में इसी तरह से बनती थी, तो मैं इसी तरह से यहाँ पे बनाती हूँ वड़ी, और सबको बहुत पसंद आती है, मेरे घर में बहुत ज़्यादा पसंद आती है, सब इसका जो टेस्ट होता है ना सबको काफ़ी पसंद आता है। तो बस यहाँ पे सब रोल बना लूँगी, जितने भी पत्ते उन सबकी बड़ी बना लूँगी, और ये भी अच्छा खासा टाइम इसमें लग जाता है बनाने के लिए, इसीलिए टाइम निकालना होता है, और साथ ही इसके बाद इसे पकने के लिए भी टाइम लगता है, क्योंकि पत्ते इतने सारे फोल्ड किए हुए हैं, तो इसको पकने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है। अब मैं इसे प्रेशर कुक करूँगी, खुला पकाऊँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और शाम को काफ़ी लेट हो गया था मुझे इसे बनाते बनाते, तो बस कुकर के अंदर इस तरह से मतलब पहले एक रिंग रख दी है, और नीचे पानी डाल दिया, उसके ऊपर एक प्लेट रख दी है, और उसके ऊपर फिर वड़ी वगैरह जो है ना वो मैंने रख दी है, उसे कुक कर लूँगी, 3-4 सीटी अच्छे से उसे लगाऊँगी। साथ ही अब यहाँ पे बन रहा है रात के खाने के लिए मेथी का बेसन, और बहुत दिनों के बाद ये बन रहा है, क्योंकि मेथी जो है ना, मेथी भाजी मतलब हरी वाली मेथी, हस्बैंड लेके आए थे और बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब कॉली मतलब बहुत ही अच्छी थी, तो सोचा कि आज बेसन बनाया जाए, क्योंकि जो वड़ी है ना तो मैं आज फ्राई करने वाली हूँ, ना तो सब प्याज में फ्राई करने वाली हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ पका के मैंने रख दिए नेक्स्ट डे के लिए। तो यहाँ पे जो है प्याज, हरी मिर्ची वगैरह डाल दिए तेल में, साथ ही राई डाल दी है बेसन बनाने के लिए, और साथ ही बनने वाली है भाकर, तो भाकर का भी आटा लगा के रख दिया है। अब जब बेसन में बनाती हूँ ना तो उसमें और कुछ ज़्यादा नहीं डालती हूँ, सिर्फ हल्दी डालती हूँ, लाल मिर्च कभी डालनी होती है, मतलब लाल मिर्च पाउडर, तो वो
तो हल्दी यहाँ पे डाल दी है, मेथी भाजी, टमाटर डाल दिया। जैसे ये अच्छे से कुक हो जाएंगी, मतलब 4-5 मिनट अच्छे से, उसके बाद इसमें पानी डाल दूँगी, उसे बॉयल आने दूँगी। साथ ही यहाँ पे साइड में भाकर का भी बनाना चालू कर दिया है, क्योंकि अभी जो पानी है ना बेसन का, वो बॉईल हो रहा है। जब तक बेसन का पानी बॉईल नहीं होगा तब तक बेसन उसमें नहीं डाल सकते। तो जो वड़ी है ना, नेक्स्ट मैं उसे फ्राई भी करूँगी, मतलब गोल गोल काट के, साथ ही थोड़ी बहुत जो है प्याज में बना लूँगी, और आज तो नहीं बनाऊँगी। तो बस यहाँ पे बेसन का पानी जो अच्छे से बॉईल हो गया है, तब हाथ से इसमें बेसन भुरकाना है, मतलब इस तरह से। और मैं इसी तरह से, मतलब मेरी आई भी इसी तरह से बनाती, तो मैं भी इसी तरह से बेसन बनाती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का जो व्लॉग है ना वो पसंद आ रहा होगा। थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। और बस बेसन जब बन जाएगा, मतलब इसे पकने के लिए 15-20 मिनट अभी और लगेंगे, 20 मिनट तो नहीं, 15 मिनट और लगेंगे, क्योंकि अभी पानी में अच्छे से पकेगा। हाँ, नमक मैंने डाला नहीं, तो नमक मैं अभी डालूंगी। और बस इसके बाद जैसे ही बन गया था, मैंने हमारा खाना लगा दिया, और फिर हम लोगों ने गरम गरम खाना खाया। इसके ऊपर हरा धनिया डाला था, जो बहुत अच्छा लगता है बेसन के ऊपर। और जो आज बड़ी बनाई है ना, उसे कल मैं तेल में भी फ्राई करूँगी, साथ ही प्याज में भी फ्राई करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक बाय बाय।